भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत 1 अक्टूबर को कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने जा रही है, जिसमें पहुंचे वॉरियर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जाएगा, जिसकी जानकारी भाजपा के पदाधिकारियों ने आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से प्रारंभ सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आगामी 1 अक्टूबर को कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन समारोह किया जाएगा। वही इस आयोजन के संबंध में मंगलवार को दुर्ग के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयोजक आशीष निमजे ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक स्तर की महामारी से दुर्ग को उबारने में कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, पत्रकार, समाजसेवी संस्थाओं सहित तमाम शासकीय अशासकीय संस्थाओं की अहम भूमिका रही है। इन्हीं सारे कोरोना वॉरियर्स की सामूहिक सक्रियता से ही दुर्ग में कोरोना महामारी की विकराल स्थिति बनने के बावजूद इस महासंकट से हमारा दुर्ग जिला बाहर निकल पाया है। इसलिए सेवा पखवाड़ा अंतर्गत ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का निर्णय जिला भाजपा द्वारा लिया गया है। साथ ही यही बताया गया कि इस बार भाजपा द्वारा पहली बार शनिवार को दुर्ग के गौरव पथ स्थित सतनाम भवन में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा, अर्थात उनके चरणों को धोकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी, तत्पश्चात शॉल और श्रीफल देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक आशीष निमजे, सेवा पखवाड़ा अभियान के प्रभारी कांतिलाल बोथरा, सतीश साहू और विनायक नातू के निर्देशन में कोरोना वॉरियर्स अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के जितेंद्र वर्मा, अजय वर्मा, ललित चंद्राकर, दिनेश दिवांगन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में मीडिया को भाजपा के जिलाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें सभी कोरोना फाइटर्सों का सम्मान समारोह है, जिसमें पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाईकर्मी हैं, मुक्तिधाम में काम करने वाले हैं और समाज सेवी भी लोग भी हैं कुछ। इसमें पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया है और इस तरह से करीब करीब जितने भी कोरोना के वक्त में कार्य करने वाले, जिस तरह के भी कोरोना के वक्त में हर तरह के जो सहूलियत देने वाले लोगों को जोड़ के उनका सम्मान किया गया है। इस सम्मान में एक ही विशेष रखी गई है जो अभी तक दुर्ग जिले के अंदर नहीं हुआ है, सभी का पद प्रक्षालन करके ही किया जा रहा है सम्मान। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं अभी पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, तो उसी के उपलक्ष्य में 1 तारीख को जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों का पैर धो करके सम्मान साल श्रीफल से किया जाएगा। कितने लोगों की सूची बनाई गई? सूची अभी फिक्स नहीं हुआ है, बशर्ते उसमें डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल्स के जितनी स्टाफ हैं, हमारे पुलिस के साथी लोग हैं, मीडिया के सारे साथी लोग हैं और नगर निगम के जितने भी संबंधित कर्मचारी हैं सभी का किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक रूप से जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, कई सामाजिक संस्थाएं हैं जिनने बढ़ चढ़ के कोरोना काल में सहयोग किया है, ऐसे सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा। और ये सम्मान जो है बहुत कम है और जीवन पर्यंत और अनादि काल तक के करने वाले काम हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।